ऐसा कुछ भी, आपने इस तरह से अपना एक प्लान बना लिया। हुआ क्या, आप 4 से 5 नहीं पढ़ पाए किसी भी कारण से, 5 से 6.5 भी नहीं पढ़ पाए किसी कारण से। अब आप क्या करते हो, अब आप बोलते हो आज रहन देते हैं, कल से अच्छे से शुरू करेंगे। मैं यही सोचता हूं, कंसिस्टेंसी इज द किंग। लगे रहेंगे इस पर, छोड़ देना सबसे बड़ी गलती होती है। हो सकता हो किसी दिन आप 2 घंटे पढ़ो, और अगले दिन हो सकता हो 6 घंटे पढ़ो, फिर हो सकता हो अगले दिन फिर आप 4 घंटे पढ़ो, फिर अगले दिन 6 घंटे पढ़ो, फिर अगले दिन हो सकता हो 1 घंटे पढ़ो, ये भी हो सकता है। पर इस बीच आपको क्या नहीं करना है कि अगर 6 घंटे नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़ेंगे। कई लोग ऐसा उसूल बना लेते हैं, और ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि कल से पढ़ाई करूंगा, कि आज का दिन तो चला गया, आप 6 घंटे पढ़ नहीं पाऊंगा, तो बचा कुचा जो दिन है वो मैं किसी तरह से व्यतीत कर लेता हूं, और कल से फिर से अच्छे से शुरू करूंगा, और कल से एकदम अच्छे से 6 घंटे पढ़ूंगा। फिर अगला दिन आया, अगले दिन 6 घंटे आपने पढ़ाई की, उसके अगले दिन फिर आपने 6 घंटे पढ़ाई की, अगले दिन कुछ घर में मेहमान आ गए या स्कूल में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया, नहीं हो पाया, आधा दिन गया, अब आपने कहा आप कुछ नहीं पढ़ोगे आज, अब आप अगले दिन से पढ़ोगे, फिर अगले दिन आपने कोशिश की, फिर 6 घंटे पढ़ाई की, तो ये आपकी गलत अप्रोच हो जाती है। इससे अच्छा क्या है कि हाँ, पहले दिन मैंने 6 घंटे पढ़ाई की, अगले दिन हो सकता हो मेरी 4 घंटे पढ़ाई हो, अगले दिन फिर मेरी 6 घंटे पढ़ाई हो, जिस दिन मुझे को 6 घंटे नहीं मिल पाया फिर भी मैं 3 घंटे पढ़ाई करूंगा, अगले दिन फिर मैं 6 घंटे पढ़ाई करूंगा, ये हो रहा है 24 घंटे। यहाँ देखो आप इरेगुलर हो, मैं मान रहा हूँ 1 घंटा यहाँ फिर भी आपको एडवांटेज। तो कभी भी ये क्रॉस वाला काम मत करना कि बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। बहुत आसान एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। मान लो आपका कल पेपर है, कल आपका एग्जाम है, ठीक है, मान लेते हैं मंडे को एग्जाम है और संडे को आप पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल का एग्जाम है, छोड़ नहीं सकते, कोचिंग का टेस्ट नहीं है, आपके स्कूल का एग्जाम है, मंडे को एग्जाम है, संडे को आप पढ़ाई कर रहे हो। मान लो संडे की सुबह आपने सोचा था आप 10 बजे उठ के पढ़ाई करोगे, आपने सोचा था 10 बजे उठेंगे और 10 बजे उठ के पढ़ाई करेंगे, 10 AM उठ के, किसी कारण से आप 10 बजे नहीं उठे, आप दोपहर में 12 बजे उठ रहे हो, रात में देर से सोए थे, तो अब आप क्या करोगे, सोचोगे आज नहीं पढ़ते हैं कल से पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं करोगे, आप 12 बजे से पढ़ना शुरू कर दोगे, जितना समय बचा है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन। यही अप्रोच रखनी है बेटा। आपने सोचा था आज मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, आपने अपना टाइम टेबल भी बना लिया है कैसे कैसे पढ़ूंगा, कि शाम को 4 से 5 मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 5 से 6.5 मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फिर मैं ब्रेक लूंगा, फिर 7 से 9 ये पढ़ूंगा, फिर उसके बाद 10 से 1 तक ये पढ़ूंगा, ऐसे आपने कुछ अपना प्लान बना लिया है कुछ इस तरह का। ऐसा कुछ भी, आपने इस तरह से अपना एक प्लान बना लिया। हुआ क्या, आप 4 से 5 नहीं पढ़ पाए किसी भी कारण से, 5 से 6.5 भी नहीं पढ़ पाए किसी कारण से। अब आप क्या करते हो, अब आप बोलते हो आज रहन देते हैं, कल से अच्छे से शुरू करेंगे। जीवन कभी भी परफेक्ट नहीं होने वाला, कभी भी जीवन परफेक्ट नहीं होने वाला। तो अगर यहां तक चीजें बिगड़ गई है कोई बात नहीं, जितना समय हाथ में है अब इसको अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा समय खराब हो गया तो उसको लेके अब रोना नहीं है। मैंने कितनी बार बोला है कि जो आपके अतीत में बीत गया है, जो आपके पास्ट में बीत गया है, उसको अब आप नहीं बदल सकते, उसके बारे में परेशान होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके आने वाले जीवन में। पर आपका भविष्य आपके हाथ में है। अपने बीते हुए कल को आप कभी भी सुधार नहीं सकते। जो पल चला गया, जो वक्त चला गया, वो चला गया, अब वो सुधर नहीं सकता। पर आपका आने वाला कल आपके हमेशा हाथ में है, उसे आप सुधार सकते हो। एक लाइन बोलो, यदि तुमने अपना आने वाला कल सुधार लिया तो तुम्हारे बीते हुए कल में क्या हुआ था तुमसे कोई पूछने वाला नहीं है। सर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सर फिर भी नहीं हो रहा है, समय लगेगा बेटा, समय लगेगा। देखो क्या होता है, तैयारी हो आपकी, किसी भी परीक्षा की तैयारी हो या जीवन की तैयारी हो, कोई भी चीज की आप तैयारी कर रहे हो, कोई सफर हो आपका, आप किसी लक्ष्य की तरफ जा रहे हो, तो आपका ऐसा नहीं हो सकता है कि हर दिन आपका यूं चले। कई दिन आपके ऐसे होंगे, कई 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 ऐसे होंगे। बस आपको ध्यान देना है कि आपके दिन ऐसे ना हो जाए, बस इतना ध्यान देना। ये तो चलता रहेगा बेटा, ये एक देखो एक लाइन होगी, इस लाइन के कभी आप ऊपर होंगे, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, बस इतना नीचे नहीं जाना है, इस पर आपको ध्यान देना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कंसिस्टेंसी इज द किंग।